ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया थर्ड सेमेस्टर हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है, एकेडमिक कैलेंडर वगैरह नहीं आया। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। तो आपकी क्लासेस उसमें लिखा हुआ है कि 26 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस। तो आप 26 अगस्त से आ सकते हैं। एंड जहाँ तक आने की बात है, तो यार ऐसा नहीं है कि आपको 26 तारीख को आके ही अटेंडेंस वगैरह लगवानी है। तो आप आराम से 1 सितंबर से आ सकते हो अगर आप आउटस्टेशन स्टूडेंट हो, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू होने वाला नहीं है। एंड फिर आपका मिड सेमेस्टर ब्रेक होगा एंड आपके एग्जामिनेशन दिसंबर मंथ के अंदर होंगे। एंड फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर पूरा कैलेंडर आ चुका है थर्ड सेमेस्टर का भी एज वेल एज़ फोर्थ सेमेस्टर का भी। एंड आपको सेमेस्टर ब्रेक के नाम पे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी है, जो कि मुझे काफ़ी कम लगी, बट यस आप मार सकते हो ज़्यादा छुट्टियाँ। एंड यस, और जो समर वेकेशन थी वो आपको इस बार मिलेगी, जो आपके मई के अंदर जब एग्ज़ाम हो जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर के। तो जैसे ही मई के एग्ज़ाम खत्म होंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 30 मई को बता रखा है कि एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, तो आपको पूरा जून एंड आधी से ज़्यादा जुलाई आपकी हॉलीडेज़ में जाएगी, तो तब आपको समर वेकेशन मिलेगी। ओके, सो या आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो एंड आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब से कॉलेज आना है। तो 1 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर तक आराम से आ सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा बड़े इशू नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप आउटस्टेशन स्टूडेंट हो तो आपको 26 को पहुंचना ज़रूरी ही ज़रूरी है। आराम से आओ, अपना टाइम लो, अपनी टिकट वगैरह आराम से बुक करवाओ एंड फिर आओ। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है आपके लिए। एंड अपने जूनियर्स के साथ चैनल ज़रूर शेयर करो, बिकॉज उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल रहने वाला है एंड उनके एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।